रोल्स तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ ऐसे रोल्स आपने कभी नहीं बनाए होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी हांडी। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत आसानी से बिना रोल पट्टी के ब्रेड रोल्स। ये देखें, इन रोल्स को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी रोल्स हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से ये ब्रेड रोल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे जो आसानी से बेकरी से मिल जाती है। अब हम ब्रेड की साइड्स को इस तरह से कैंची की मदद से काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने तमाम ब्रेड की साइड्स को काट लेना है। अब हम ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके किसी भी बाउल में डाल देंगे। अब हम इस ब्रेड में थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। आप चाहे तो इसमें पानी की जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको हाथों से गूंदकर आटे की तरह बनाना है। अगर आपसे ये ज्यादा नरम हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा भी शामिल कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से आपने गूंदकर आटा बना लेना है। अब हम ब्रेड रोल्स की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बॉल में शामिल करेंगे उबले हुए आलू। अब इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो आलू की जगह घर में बनी हुई कोई भी सब्जी या फिर चिकन भी शामिल कर सकती हैं। यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो आप जीरा पाउडर स्किप कर दें। थोड़ी सी हरी मिर्चें और 1.5 सारा हरा धनिया। और अब हम तमाम अज्जा को अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखें, हमारे ब्रेड रोल्स की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा ब्रेड का आटा लेंगे और इसका इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। जैसे आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पेड़ा बनाना है। फ्लोर पर डालेंगे थोड़ा सा खुश्क आटा। पेड़े को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। और अब हम इसे बेल लेंगे। बेल कर आपने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। अब इसके एक किनारे पर रखेंगे आलू की स्टफिंग और इसकी साइडों को इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो साइडों को छुरी की मदद से भी काट सकती हैं। अब हम दोनों साइडों को हटा देंगे। और हाथों की मदद से इसको इस तरह से रोल करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से आपने इसे रोल करना है, कोई जल्दी नहीं करनी। इसके किनारों को इस तरह से लॉक करेंगे, इसलिए कि फ्राई करते वक्त ये खुले ना।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी जबरदस्त शेप बनी है। अब हम पैन में लेंगे ऑयल। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गरम करेंगे और अब हम रोल्स को फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइडों को चेंज करते रहेंगे। रोल्स को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखें रोल्स अच्छे से पक रहे हैं और आलू की स्टफिंग भी बाहर नहीं आ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी रोल्स बने हैं। अगर ये ब्रेड रोल्स की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।